हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और इवेंट्स डिस्कस करते हैं। मैं रेगुलरली यहाँ पे आता हूँ और इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक बसेज, इलेक्ट्रिक ट्रक्स, सबके बारे में डिस्कस करता हूँ। सो गाइस, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके गाइस, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक कंपनी वन इलेक्ट्रिक से उन्होंने उनकी जो इलेक्ट्रिक बाइक है क्रिडन, उसकी डिलीवरीज उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं। उन्होंने स्टार्ट किया है तमिलनाडु और केरला से, और इवेंचुअली वो महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर, कर्नाटका और तेलंगाना में भी फिर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। सो गाइस, 2021 में उनकी ये भी प्लान्स हैं कि वो अब इस बाइक को अब्रॉड सेल भी करेंगे। इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो है 95 किलोमीटर पर आवर, ये इस बाइक की खासियत है, और यही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा आई कैचिंग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट में जो स्टैंडर्ड है अभी, आपको मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाती है आपको रिवोल्ट में, या फिर आपको जो ओडिसी कंपनी है उसमें भी आपको 80 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड मिलती है, लेकिन ये आपको 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रही है। तो दिस माइट बिकम अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक इन इंडिया, लेकिन एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि कोई और बाइक है इलेक्ट्रिक जो इसको टक्कर देती है या नहीं। इसके अलावा गाइस, 1.29 लाख, 1,29,000 का इसका एक्स शोरूम प्राइस है, और जैसा कि मैंने कहा कि ये 2021 में एक्सपोर्ट भी करेंगे, विच इज़ गुड गाइस, क्योंकि इन्होंने क्लेम किया कि 80% ऑफ द बाइक, जो 80% पार्ट्स हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं, लोकली सोर्स्ड हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड इनिशिएटिव टू मेक इन इंडिया, और अगर वो ग्लोबल मार्केट कैप्चर करते हैं एक्सपोर्ट करके, तो उससे तो कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती गाइस। सो दैट इज़ अबाउट दिस कंपनी, यू कैन गो एंड चेक इट आउट इन देयर वेबसाइट। द कंपनी नेम इज़ वन इलेक्ट्रिक एंड द बाइक नेम इज़ क्रिडन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, इट इज़ फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली का रेट सेट कर दिया है 6 रुपये पर यूनिट, यानी कि 6 रुपये पर किलोवाट आवर का रेट होगा पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए। पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का मतलब गाइस ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट ओन्ड है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला पब्लिक डिस्कॉम ओन्ड, यानी कि उस एरिया की जो डिस्कॉम है वो उसको ओन करती है। दूसरा प्राइवेटली ओन्ड, अगर मैं कोई प्राइवेट ओनर हूँ, मैं कोई शॉपिंग मॉल चलाता हूँ, या मैं मेरा एम्प्टी प्लॉट है तो मैं प्राइवेट ओनर हूँ, लेकिन मेरा चार्जिंग स्टेशन पब्लिक है, यानी कि पब्लिक के लिए ओपन है। और तीसरा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो इस टाइप के तीन चार्जिंग स्टेशन हो सकते हैं, और वो तीनों पब्लिक को कैटर कर सकते हैं, और आपको जो रेट भरना पड़ेगा वो भरना पड़ेगा 6 रुपये पर यूनिट। सो ये आपको रेट जो है चार्ज होगा उस चार्जिंग स्टेशन पे। गाइस, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके लिए आपको ऑब्वियसली एक नया मीटर लगवाना पड़ेगा, और उस मीटर पे जो बिजली का रेट होगा वो ये चार्ज होगा। इसके अंदर 15% का डिस्काउंट भी दिया गया है फॉर ऑफ पीक आवर्स, यानी कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 15% के रेट और घटा दिए जाएंगे। अब एंड कंज्यूमर को कितना चार्ज करना है गाइज, ये इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है कि मैं एक प्राइवेटली आई एम अ प्राइवेट ओनर, और मैं अपने चार्जिंग स्टेशन पे कितना रेट चार्ज करूँ, आपको आता है चार्ज करने 20 रुपये पर यूनिट उसको चार्ज करूँगा या 25 रुपये, तो वो अभी क्लियर नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोगों को इस बारे में पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ गाइस, इट इज़ फ्रॉम अ कंपनी ओडिसी। ओडिसी के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आते हैं और एक इलेक्ट्रिक बाइक आती है। इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का नाम है रेसर और रेसर लाइट। ये ईयर एंड पे डिस्काउंट दे रहे हैं, इन्होंने दिवाली के टाइम पे भी डिस्काउंट चलाया था, अब ये ईयर एंड पे भी डिस्काउंट चला रहे हैं। जो रेसर स्कूटर है वो 56,500 का है, और जो रेसर लाइट है वो 67,500 का है। जो इनकी बाइक है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम इवोकिस है, इसके अंदर आपको 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, और ये बाइक आपको पड़ेगी 1,45,000 की एक्स शोरूम प्राइस। तो ये जो ऑफर है ये 31 दिसंबर को तक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार चेक कर सकते हैं इनकी कंपनी की वेबसाइट पर जाके। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो जो ये बाइक है 4.32 यूनिट की इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी है, रेंज इसकी 140 किलोमीटर की है, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर की है। सो गाइस, आज की न्यूज़ इतनी ही है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट से इन्फॉर्म रहना चाहते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।